गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि आमिर नाम के युवक ने अपने साथी के साथ पुलिस पर फायर किया और जवाब में जब पुलिस ने फायर किया तो आमिर घायल हो गया। उसका एक साथी फरार हो गया, लेकिन आमिर को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आमिर अपने साथी के साथ मोनी नाम के युवक को गोली मार कर भाग रहा था। मोनी के साथ आमिर का पैसों का लेन देन का विवाद चल रहा था। पुलिस ने उसे रोकने के लिए जाल बिछाया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश और मोनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज थाना विजयनगर पुलिस ने इंस्पेक्टर विजयनगर के नेतृत्व में थाने से 307 में वांछित चल रहे 15,000 रुपए के इनामी अपराधी आमिर को पुलिस ट्रैकडाउन के बाद गिरफ्तार किया है। इस अपराधी ने अभी दिन में ही 1 बजे एक व्यक्ति को गोली मारी, जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस को उसके घायलों की सूचना पर इसका पीछा किया गया और यहां पर पुलिस मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके भी गोली लगी है, इसने क्रॉस फायरिंग पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की। हॉस्पिटल इलाज के लिए इसे भेज दिया गया। इस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ठीक है।